नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नई सुबह मैथ्स ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मैं हूं अनम तारिक। आज का हमारा टॉपिक है सेट नोटेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेट की जाहिरी अलामत क्या है, सेट को किस तरह से जाहिर करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप साथ साथ नोट डाउन भी कर लें। फर्स्ट पॉइंट, वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर इट्स नेम, यानी कि हम सेट का नाम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये इवन नंबर्स कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ए इज इक्वल टू इवन नंबर्स, इवन नंबर कैपिटल लेटर में होगा। और इवन नंबर्स हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। दूसरी एग्जांपल, बी इज इक्वल टू फर्स्ट 5 odd numbers, ये सेट का नाम है और ये कैपिटल लेटर में होगा और हम इस सेट में फर्स्ट 5 पॉजिटिव odd numbers लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। सेकेंड पॉइंट, वी ऑलवेज यूज ब्रेसेस, इन ब्रेसेस के बीच में ही ये सेट के नंबर्स लिखे जाएंगे। जो हमने 1, 3, 5, 7, 9 लिखा है ये ब्रैकेट्स में होगा और ये वाली ब्रैकेट को कहते हैं ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रैकेट होती है। तीन ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। तो इस सेट को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे जो कि है ब्रेसेस और हर नंबर के बाद कोमा आएगा, यानी कि ओपन कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9 क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह से हमने हर एक रुकन यानी के एलिमेंट के आगे कोमा लगाया। थर्ड पॉइंट, जैसे हमने कहा था कि सेट का जो नेम है उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लेकिन एलिमेंट्स के लिए वो लेटर स्मॉल होंगे। अगर किसी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फाबेट्स हैं तो वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ कहते हैं C इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश लेटर्स, ये जो सेट का नाम है ये कैपिटल लेटर में होगा और इसके अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे, ओपन कर्ली ब्रैकेट A कोमा B कोमा C कोमा D कोमा E क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट। यहाँ जो हमने ए बी सी डी ई लिखा है ये स्मॉल लेटर्स में होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 2। ए सेट में जो नंबर है वही बी सेट में नंबर है, सिर्फ तरतीब चेंज की गई है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं A इक्वल है B के, क्योंकि दोनों सेट एक ही है, बस तरतीब चेंज है। नेक्स्ट, नो रिपीटेशन। जैसे कि अगर मैं किसी सेट में लिखूं 1, 2, 1 तो ये सेट ही नहीं है क्योंकि इसमें 1 रिपीट हो रहा है। आपको याद होगा पिछले लेसन में हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें बताया था कि सेट में जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि मुनफरिद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यानी कि किसी एलिमेंट को किसी सेट में कैसे जाहिर किया जाता है। जैसे कि यहाँ एक सेट है B इज इक्वल टू 1, 2, 3 और मुझे यहाँ बताना है कि 3 बिलोंग टू B, ये जो एलिमेंट है 3 ये बिलोंग करता है B के सेट से। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एप्सिलॉन B, एप्सिलॉन मतलब belong to, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे, यानी कि 3 का ताल्लुक है
बी सेट से। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।